हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आयुष चिकित्सकों के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि अब वे एलोपैथिक दवाएं लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये अमर उजाला में एक आर्टिकल है, आयुष चिकित्सक भी लिखेंगे एलोपैथिक दवाएं। तो पूरी न्यूज़ क्या आपको पढ़ के बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के आयुष चिकित्सकों को बड़ी राहत देते हुए एलोपैथिक दवाएं लिखने की मंजूरी दी है। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने हजारों चिकित्सकों को नई उम्मीद दी है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली के सभी आयुष चिकित्सकों को इंटीग्रेटेड मेडिसिन में प्रैक्टिस करने पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। ऑल इंडिया इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस आर एफ नरीमन व जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने यह फैसला लिया है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आर पी पारासर ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए दिल्ली सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर पारासर ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बाद अब दिल्ली के आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सक अपनी चिकित्सा में बेरोक टोक एलोपैथिक दवाई का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये गुड न्यूज़ है आयुष वालों के लिए कि अब वे एलोपैथिक दवाई भी लिख सकते हैं। तो आपकी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी तो लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे भी आपको इस तरह की जानकारियाँ देते रहेंगे।